Hello friends, I'm Aastha and today we are going to study about digestive system of rat. As we all know, digestive system of rat includes alimentary canal and digestive glands. Alimentary canal mein humare paas various organs hain. Abhi in sabhi ke names study out karenge hum ki kaun si organs present hain. Then we'll see a diagram aur finally hum in sab ki depth mein study karenge. First of all, we have mouth, then vestibule, then buccal cavity, which further we have various parts in it, that is tongue, teeth and many more, pharynx, esophagus, stomach, intestine, large intestine, rectum and finally the anus. Out of these, which is our vestibule or buccal cavity, it is formed up of ectoderm, as well as the rectum and anus are also lined by ectoderms. But this one constitutes the stomodium and this constitutes proctodium. But rest all the organs present in the alimentary canal are lined up by endoderm. Hence they are referred to as mesoderm or hum isko aur bhi kuch kehte hain, that is known as mesenteron. Mesoderm and mesenteron. Iske alawa humare paas digestive glands hain. Jinka name humne yahan pe likhe hue hain, salivary gland, gastric gland, liver, pancreas and intestine. Ye humare paas diagram hai, isme hum ye dekh sakte hain jo humare paas starting mein sabse topmost humne organ padhi, that was mouth. Mouth ke andar humare paas teeth honge jo ki incisors hain, and we have molars. और इसके बाद हमारे पास जो ये रीजन दिखाई दे रहा है, इसमें हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट है, एपिग्लॉटिस है, ग्लॉटिस है, ये सारा रीजन जो है, दिस इज बकल कैविटी. बकल कैविटी के साथ साथ हमने पढ़ा कि इट इज कॉन्स्टिट्यूएंट, फर्दर कंटिन्यू होता है ये फेरिंग्स में. फेरिंग्स के साथ साथ आगे कॉन्टिन्यू हो जाएगा ईसोफेगस. ईसोफेगस से ये लीड करता है हमारे स्टमक में. सैक लाइक है, इसमें कार्डियक पार्ट है, पाइलोरिक पार्ट है, और स्टमक से इट गोज इन टू आर इंटेस्टाइन. इंटेस्टाइन में भी वी हैव स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन एज यूजुअल. जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर हमारे लिवर एज वेल एज पेनक्रियास की ओपनिंग्स होती हैं. इनकी सिक्रीशन से हमारी डाइजेशन जो है वो फैसिलिटेट होती है. इंटेस्टाइन स्मॉल एंड लार्ज के भी फर्दर पार्ट्स हैं हमारे पास. स्मॉल इंटेस्टाइन में वी हैव ड्यूडेनम, इलियम एंड जियोजेनम. लार्ज इंटेस्टाइन में वी हैव आर सीकम रीजन. ये जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज सीकम. This beaded part is called colon, and finally it leads into rectum and then anus. First organ जो हमारी थी, that was mouth. Mouth जो होता है rat का, it is subterminal, यानी topmost और bottom के बिल्कुल center में it's lying in the subterminal region, और it's just like a transverse slit. Like if ये mouth है, it's just like a transverse slit. और इस स्लिट के अपर एंड लोअर रीजन में वी हैव अपर लिप एंड लोअर लिप. दीज टू लिप्स आर हैविंग फीचर्स कि ये सॉफ्ट होते हैं, मूवेबल होते हैं और हेयरी होते हैं. दीज बोथ लिप्स की आउटर लेयर इज कवर्ड बाय स्किन एंड इनर लेयर इज कवर्ड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन. अब जो हमारा अपर लिप है, डायग्राम में देखेंगे, जो हमारे पास अपर लिप है इसको हम हेयर लिप भी कहते हैं, एच ए आर ई, हेयर लिप. और इसके अंदर हमारे पास मिडल रीजन में एक क्लेफ्ट प्रेजेंट है. ये जो आपको डिप्रेशन दिखाई दे रहा है, इट्स क्लेफ्ट. इसकी प्रेजेंस किस लिए होती है? ताकि हमारे इंसाइजर्स जो है वो उसके रोडेंट के फेस के आउटवर्ड इरेक्ट मूव कर सकें, जिसके साथ वो अपने ईटेबल्स को अच्छे से ईट कर पाए, इंसाइजर्स प्रॉपरली वर्क कर पाए. इसीलिए अपर हेयर लिप में वी हैव क्लेफ्ट. माउथ के बाद हमारे पास वेस्टिब्यूल आता है. वेस्टिब्यूल इज नथिंग बट बस एक छोटा सा नैरो सा स्पेस है जो कि लाई करता है हमारे माउथ के और बकल कैविटी के बीच में. और इसका रोल क्या है कि इसकी जो वॉल्स हैं उसके अंदर एबंडेंट म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट है. एक्सटर्नली इट इज एनक्लोज्ड बाय लिप्स एंड चीक्स, और इंटरनली इट इज एनक्लोज्ड बाय गम्स एंड टीथ. सो इट्स लाइंग बेसिकली बिटवीन आर माउथ एंड बकल कैविटी, एंड इट्स enclosed externally by lips and cheeks, internally by gums and teeth, and it is having mucus glands. Next हमारे पास आती है buccal cavity. Buccal cavity में हमारे पास external में above buccal cavity के above हमारे पास palate है, और buccal cavity के below throat होता है. As well as on the both sides of buccal cavity we have jaws.
इसकी प्रॉपर डायग्राम हम देखेंगे, बट बिफोर दैट हम जान लेते हैं कि हमारी बक्कल कैविटी जो है उसको नेजल चैम्बर के साथ लिंक कौन करता है, तो इट इज नेजो पैलेटाइन. नेजो रेफर्स टू द नेजल चैम्बर एंड पैलेटाइन, सिंस बक्कल कैविटी इज हैविंग पैलेट, सो इट इज लिंक टू दैट नेजो पैलेटाइन केनाल. सो इट्स नेजो पैलेटाइन केनाल जो कि लिंक करती है बक्कल कैविटी को और नेजल चैम्बर को. सो हमारी बक्कल कैविटी आप देख सकते हो यहाँ पे, सबसे फर्स्ट हमारे पास टॉप मोस्ट जो है वो क्लेफ्ट के अंदर प्रेजेंट इंसाइजर्स हैं. यहाँ पे इन इंसाइजर्स के साथ फॉलो होता है हमारा लोअर रीजन बक्कल कैविटी इंक्लूड्स, जो अभी आपको दिखाई दे रहा है दिस इज हार्ट पैलेट. हार्ट पैलेट के अंदर जो आपने ट्रांसवर्स रिजेस दिखाई दे रही हैं दीज आर कॉल्ड र्यूगे. ये जो आपको दिखाई दे रही हैं दीज आर र्यूगे एंड एट अबाउट 3 millimeter इन द इंटीरियर इज कॉल्ड नेजो इज हैविंग नेजो पैलेटाइन केनाल. इसके नियर अबाउट 3 millimeter के डिस्टेंस पे हमारे पास नेजो पैलेटाइन केनाल होगी जो कि अभी हमने स्टडी की थी दिस वन. ओके, अब इसके बाद हमारे पास सॉफ्ट पैलेट आता है दिस वन एज इट इज लेबल्ड सॉफ्ट पैलेट है ये हमारे पास. सॉफ्ट पैलेट के अंदर जो हमारा इसका इंटरनल फ्री एंड होगा सॉफ्ट पैलेट का वो हैंग करता है एज अ स्मॉल फ्लैप और इस फ्लैप को हम कहते हैं अल्वा. आई रिपीट द स्मॉल फ्लैप दैट इज हैंगिंग फ्रॉम फ्रीली फ्रॉम द सॉफ्ट पैलेट हाइंड एंड इज नोन एज अल्वा. ओके, उसके बाद हम इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूटेड है हमारे पास टंग एंड आर टीथ. जो इंसाइजर्स हमने पढ़े वो भी टीथ की एक टाइप थी और जो अनदर टाइप है हमारे टीथ की दैट आर मोलर्स. इनके अंदर हम एज यूजुअली देखते हैं हमारे पास जितने भी मैमल्स प्रेजेंट हैं उनके अंदर केनाइंस एंड प्री मोलर्स भी प्रेजेंट होते हैं, बट हमारा जो रैट है इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एम्प्टी स्पेस दिखाई दे रही है, कॉन्टिन्यूस नहीं है हमारे टीथ इंसाइजर्स के साथ बिकॉज इनके अंदर केनाइंस एंड प्री मोलर्स एबसेंट होते हैं. इनके अंदर सिर्फ दो इंसाइजर्स प्रेजेंट हैं और मोलर्स प्रेजेंट होते हैं 3 on each side. सो इसका डेंटल फॉर्मूला इज इंसाइजर 1 on 1, केनाइन 0/0, प्री मोलर 0/0, मोलर 3 above and 3. सो टोटल इट हैज 16 और ये नीचे आप देख सकते हैं इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे हम करते हैं डेंटल फॉर्मूला की. रैट के जो टीथ हैं उसके हमारे स्पेशल फीचर्स क्या हैं कि ये थीकोडोंट होते हैं. थीकोडोंट मींस जो हमारी जो बोन है उसके अंदर सॉकेट प्रेजेंट होते हैं और उन सॉकेट्स के अंदर ये टीथ एम्बेडेड होते हैं. इस तरह के जो टीथ होते हैं उन्हें थीकोडोंट कहते हैं एज वेल एज ये मोनोफायडोंट है. मोनोफायडोंट का मीनिंग है कि जैसे ह्यूमन बींग्स के अंदर मिल्क टीथ आते हैं उसके बाद परमानेंट टीथ आते हैं, बट इन दीज रोडेंट्स रैट्स ऐसा कुछ नहीं होता. इनके सिर्फ एक ही टाइम टीथ प्रेजेंट होते हैं, दे डू नॉट हैव टेम्परेरी टीथ और वी कैन से मिल्क टीथ, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड मोनोफायडोंट. जो ये रीजन हमने एम्प्टी स्पेस देखी थी यहाँ पे इंसाइजर्स और मोलर के बीच में इसको हम कहते हैं डायस्टेमा. दिस रीजन इज नोन एज डायस्टेमा जहां पे केनाइंस और प्री मोलर्स की एब्सेंस है. नेक्स्ट रीजन हमारे पास आता है फेरिंग्स का. फेरिंग्स जो है बस एक कॉनिकल रीजन होता है शॉर्ट जो कि प्रेजेंट होता है हमारे सॉफ्ट पैलेट के बियॉन्ड. अब जो हमारा फेरिंग्स है उसकी फर्दर 2 parts में डिवीजन होती है. अपर रीजन जो है हमारे पास उसको हम नेजो फेरिंग्स कहेंगे और उसके अंदर एक ओरो फेरिंग्स प्रेजेंट होता है. नेजो फेरिंग्स जो है उसके अंदर हमारी नेरिस की ओपनिंग होती है, एक कॉमन केनाल होती है हमारी इंटरनल नेरिस की जिसकी ओपनिंग होती है नेजो फेरिंग्स के अंदर एज वेल एज इस यूस्टेचियन ट्यूब की भी अ पेयर ऑफ ओपनिंग होगी. मींस वन नेजल वन कॉमन ओपनिंग ऑफ नेरिस एंड 2 openings ऑफ यूस्टेचियन ट्यूब इसके अंदर प्रेजेंट होती है. उसके अलावा हमारे पास थी यूरोफेरिंग्स. ओरोफेरिंग्स के अंदर हमारे पास बकल कैविटी को लिंक करती है हमारी ओरोफेरिंग्स. वेंट्रल रीजन में ये कनेक्ट करेगी बकल कैविटी को लैरिंग्स के साथ और ओरोफेरिंग्स डोर्सल रीजन में कनेक्ट करती है बकल कैविटी और ईसोफेगस को. जो लैरिंग्स है उसको हमें पता है वॉइस बॉक्स भी कहते हैं और इसकी ओपनिंग जो है उसे ग्लोटिस कहते हैं. ग्लोटिस की
ओपनिंग को रेगुलेट करता है हमारे पास एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम एपिग्लॉटिस कहते हैं. एपिग्लॉटिस इज अ बायलोब्ड लीफ लाइक कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर दैट रेगुलेट्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ ग्लॉटिस. ग्लॉटिस की ओपनिंग एंड क्लोजिंग को रेगुलेट करना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब हमारा फूड एंटर हो रहा है तब इस रीजन को क्लोज करना होता है ताकि हमारा फूड जो है वो वॉइस बॉक्स के अंदर एंटर ना हो जाए. दैट्स वाई एपिग्लॉटिस इज प्रेजेंट अपॉन द ग्लॉटिस टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनसाइड इट. फेरिंग्स लीड करता है हमारा ईसोफेगस में. ईसोफेगस जो है हमारे पास एक लॉन्ग नैरो कोलैप्सिबल स्ट्रेट ट्यूब होती है. लॉन्ग है, नैरो है और कोलैप्सिबल है. जो ट्रेकिया होती है उसके अंदर कार्टिलेजिनस रिंग्स होते हैं, वो कोलैप्स नहीं कर सकती. बट स्टिल जो हमारी ईसोफेगस है ये कोलैप्सिबल होती है, यानी इट्स नॉट एज रिजिड एज ट्रेकिया. लॉन्ग है, नैरो है. और इसके अलावा हमारा जो ईसोफेगस है उसको अगर हम नेक रीजन में और थोरेक्स रीजन में, टू रीजन्स के अंदर हमारा ईसोफेगस प्रेजेंट है. नेक रीजन में इट इज लाइंग डोर्सल टू आर ट्रेकिया एंड इन द थोरेक्स रीजन इट इज लाइंग डोर्सल टू आर हार्ट. इसकी लोकेशन दिखाई हुई है. नेक रीजन में इट्स डोर्सल टू ट्रेकिया, थोरेक्स रीजन में इट्स डोर्सल टू आर हार्ट. इसके अंदर वेल डेवलप्ड मसल्स होते हैं बिकॉज इसने मूवमेंट पास करनी होती है हमारे फूड की फ्रॉम आउटर साइड यानी बकल कैविटी से स्टमक की ओर. इसका जो मसल्स हैं वो भी टू टाइप्स के होते हैं हमारे पास. जो पोस्टीरियर हमारे पास रीजन होगा, स्टार्टिंग रीजन होगा ईसोफेगस का, उसमें स्ट्राइप्ड मसल्स प्रेजेंट होंगे. वेयर एज जो डिस्टल रीजन है वहां पे हमारे पास स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होते हैं. जो स्मूथ मसल्स एंड स्ट्राइएटेड स्ट्राइप्ड मसल्स हैं, बोथ दीज टाइप ऑफ मसल्स आर कवर्ड बाय अ स्ट्राइएटेड स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम. Both these type of muscles are covered by specialized epithelium, that is stratified epithelium. हमारा जो esophagus होगा overall, उसके अंदर center में longitudinal folds present होते हैं. इन longitudinal folds की वजह से वो constrict हो जाता है. तो यानी कि opening को regulate करता है. जब हम लोग air को intake करेंगे उसको food path के अंदर swallowing के time ना लेके जाएं, इसीलिए ये longitudinal folds इसमें present होते हैं. अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन हमारे पास है स्टमक. ईसोफेगस लीड्स इनटू द स्टमक. और ये स्टमक जो होता है एक ग्रे सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, एज यू कैन सी ओवर हियर. कर्व्ड स्ट्रक्चर है, सैक लाइक है और ग्रे इन कलर होता है. इसके टू पार्ट्स है हमारे पास, वन इज कार्डियक एंड अनदर इज पाइलोरिक. और इनके सेंटर में दिस रीजन वी कॉल इज बॉडी ऑफ स्टमक. कार्डियक, पाइलोरिक एंड इन द मिडल वी हैव बॉडी ऑफ स्टमक. जो कार्डियक पार्ट है वो हमारा ट्रांसल्यूसेंट होता है, वेयर एज पाइलोरिक पार्ट इज ओपेक. जो ट्रांसल्यूसेंट रीजन हमारा कार्डियक का है, इसके अंदर भी म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, लेकिन इसकी म्यूकोस मेम्ब्रेन जो होती है वो पेल वाइट होती है. वेयर एज जो हमारे पास पाइलोरिक रीजन की म्यूकस मेम्ब्रेन होगी, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ कार्डियक रीजन बिकॉज इट इज वेल्वेटी इन नेचर. और ये मोर वैस्कुलर होता है देन आर कार्डियक रीजन. पाइलोरिक पार्ट इज मोर वैस्कुलर देन कार्डियक रीजन. नेक्स्ट वी हैव फंडस. फंडस इज बेसिकली वॉट, जो हमारा कार्डियक स्टमक का रीजन है उसकी फर्दर बाइफर्केशंस दी हुई हैं कि हमने उसकी जो बिगनिंग रीजन होती है जहां ईसोफेगस की एंट्री हो रही है उस रीजन को हम जहां एंटर हुआ दैट इज कॉल्ड फंडस रीजन. उसके बाद जो हमारा है इसकी इंटरनल वॉल्स होती है हमारे स्टमक की. इंटरनल वॉल के अंदर हमारे पास इस तरह के कन्वेक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं. कन्वेक्स स्ट्रक्चर्स जो हैं वो हमारे पास ग्रेटर कर्वेचर प्रोवाइड करेंगे और जो कनकेव स्ट्रक्चर्स होंगे हमारे पास स्टमक की इंटरनल वॉल में प्रेजेंट वो हमारे पास लेसर कर्वेचर प्रोवाइड करेंगे. ऑब्वियसली दीज कर्वेचर्स आर फॉर इंक्रीजिंग द सर्फेस एरिया टू प्रोवाइड द म्यूकस. नेक्स्ट वी हैव द कार्डियक रीजन के वॉल जो यहाँ पे प्रेजेंट होती है. जैसी कार्डियक रीजन फिनिश होता है, कार्डियक रीजन के फिनिश सॉरी जैसी कार्डियक रीजन की स्टार्टिंग है ईसोफेगस से, कार्डियक रीजन की स्टार्टिंग होगी यहां पे हमारे पास कार्डियक अपर्चर होगा और इस अपर्चर को रेगुलेट करता है एंट्री इसके फूड की इनर इनसाइड द स्टमक कार्डियक वॉल्व. और जहां पाइलोरिक रीजन फिनिश होता है यानी कि ये वाला रीजन, पाइलोरिक रीजन फिनिश होने के दिस रीजन जहां ड्यूडेनम में लीड करता है यहां पे वी हैव पाइलोरिक अपर्चर और इट इज रेगुलेटेड बाय पाइलोरिक वॉल्व दैट इज ऑल्सो कॉल्ड पाइलोरस.
स्टमक के रोल्स हम सबको पता ही है क्या होते हैं. इट इज जस्ट स्टोरेज, टर्निंग ऑफ फूड एंड इनिशियलाइजिंग द डाइजेशन. कंप्लीट डाइजेशन नहीं होती, बट डाइजेशन जो है वो बिगिन हो जाती है एसिडिक मीडियम ऑफ स्टमक के अंदर. स्टमक के साथ हमारा कॉन्टिन्यू होता है एलिमेंट्री कैनाल इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन इज ऑल्सो ग्रे इन कलर. इसकी लेंथ हमारे पास 1 to 1.2 meter होती है अप्रोक्सीमेटली, और ये कॉइल फॉर्म में प्रेजेंट होती है. इसके भी फर्दर 3 पार्ट्स हैं, ड्यूडेनम, जियोजेनम एंड आइलियम. इन 3 रीजन्स को हमने डायग्राम में देखा था, और इन 3 रीजन्स की जो एंडिंग होगी, यानी हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की एंडिंग जैसे ही स्टार्ट होगी हमारे सीकम में. सीकम इज अ पार्ट ऑफ आर लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है सीकम. सीकम के अंदर ओपन होने से पहले हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के एंड पे हमारे पास प्रेजेंट होता है एक वॉल्व दैट इज कॉल्ड इलियोसिकल वॉल्व. दिस इलियोसिकल वॉल्व एक्ट एज अ लिंक बिटवीन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड सीकम. रोल हमें पता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या होता है. इट इनिशिएट्स द डाइजेशन, यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है, एज वेल एज द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड. हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे पास सिक्रीशंस आ रही थी पैनक्रियास की एज वेल एज लिवर की, जिनकी सिक्रीशंस की हेल्प से हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन फैसिलिटेट हो रही थी. इन ग्लैंड्स के बारे में हम फर्दर पढ़ेंगे डिटेल में, बट अभी हम स्टार्ट करते हैं. स्मॉल इंटेस्टाइन लीड करती है लार्ज इंटेस्टाइन में. लार्ज इंटेस्टाइन इज ग्रीन इन कलर, और इसकी लेंथ होती है 15 to 20 centimeters. वहां पे हमारे पास थी 1 to 1.2, यहाँ पे हमारे पास है 15 to 20 centimeters. ये भी फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है हमारा, दैट इज सीकम, कोलोन एंड रेक्टम. कोलोन इज फर्दर डिवाइडेड. सीकम जो है हमारे पास, उसकी सबसे पहले क्या फीचर है कि वो बस एक ब्लाइंड सैक के जैसे प्रेजेंट होता है, जैसे कि हम डायग्राम में देख लेते हैं. ये डायग्राम में हम देख सकते हैं हमारा जो सीकम है, दिस इज जस्ट अ ब्लाइंड सैक, और ये स्मूथ होता है और लीड करता है हमारी वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स में. वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स इज नथिंग, बस एक शॉर्ट एक्सटेंशन होता है कॉनिकल, और ये एक लिम्फॉइड टिश्यू के जैसे कंसिडर किया जाता है. नेक्स्ट रीजन हमारा जो आप बीडेड देख रहे हैं, दिस इज कोलोन. और जो कोलोन है इसके भी हमारे पास 3 रीजन हैं. जो आप स्टार्टिंग देख रहे हैं यहाँ पे, दैट इज असेंडिंग, एंड दिस वन द स्ट्रेट रीजन इज कॉल्ड ट्रांसवर्स, एंड फाइनली दिस रीजन इज नोन एज डिसेंडिंग पार्ट ऑफ कोलोन. सो दिस बीडेड पार्ट ऑफ कोलोन हैज 3 रीजन्स, असेंडिंग, ट्रांसवर्स एंड देन फाइनली द डिसेंडिंग रीजन. नेक्स्ट टू आर सीकम, कोलोन एंड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, दैट्स द लास्ट पार्ट इज रेक्टम. रेक्टम इज नथिंग बट जस्ट अ शॉर्ट ट्यूब. ये एक शॉर्ट ट्यूब है जो कि हाइंडेस्ट पार्ट होगा, यानी लास्ट पार्ट होगा हमारे एब्डोमिन के लास्ट वाले रीजन में पार्ट होगा, और ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल को फिनिश करता है किसमें, एनस में. हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का रोल हमें पता है क्या होता है, एब्जॉर्प्शन करवाता है, डाइजेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, और फीकल पैलेट्स की फॉर्मेशन हो जाती है. लास्ट रीजन इज आर एनस. एनस वी नो इज जस्ट लाइक अ ब्लाइंड सैक, स्मॉल अपर्चर, सॉरी नॉट अ ब्लाइंड सैक, इट लाइज एट द बेस. जो हमारा टेल होगा माउस का, हमारी रैट का जो टेल है, उसके बेस पे प्रेजेंट होती है हमारी एनस रीजन. एंड दिस इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय दीज, ये जो आपको साइड पे दिखाई दे रहे हैं, दीज आर आर एनल स्फिंक्टर. एनल स्फिंक्टर की जो मसल्स होती हैं वो रेगुलेट करती हैं हमारे फीकल पैलेट्स का कब फ्लो आउट करवाना है रैट की बॉडी से. अब हमारी एलिमेंट्री कैनाल जो है उस फिनिश हो गई है, हमने सारी स्टडी कर ली. अब हम जो स्टडी करेंगे दैट आर ग्लैंड्स, और ग्लैंड्स में हमारे पास फोरमोस्ट जो है दैट इज सलाइवरी ग्लैंड. सलाइवरी ग्लैंड मैमल्स में बहुत एक स्पेशल करेक्टरिस्टिक रोल प्ले करता है, बिकॉज सलाइवरी ग्लैंड की सिक्रीशंस में हमारे पास सलाइवरी एमाइलेज है, और इसके केस में भी हैव पिटाइलिन एज वेल. इनकी सिक्रीशन से भी नो हमारी ब्रेक डाउन होती है शुगर्स की, लाइक स्टार्च इज ब्रेकन डाउन. सो सलाइवा जो है इसकी सिक्रीशन होने के लिए भी हमारे पास 3 वेरिएबल ग्लैंड्स प्रेजेंट है. सलाइवरी ग्लैंड भी 3 रीजन्स में डिवाइडेड है हमारे पास. इस डायग्राम में आप देख सकते हैं हमारे पास ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, दिस वन इज पैरोटिड ग्लैंड. ये जो यहाँ पे रफ सा सर्फेस दिखा रहे हैं, दिस इज पैरोटिड ग्लैंड. और ये पैरोटिड ग्लैंड जो है इसकी आगे दीज जो आपको दिख रही है, दीज वन डक्ट्स,
दीज आर द पैरोटिड डक्ट्स, और ये लीड करती हैं हमारे मोलर टीथ के बेस के ऊपर, ऑपोजिट टू द मोलर टीथ. यहाँ बकल कैविटी में हमारे मोलर टीथ प्रेजेंट थे, ये उसके ऑपोजिट इनकी ओपनिंग होगी हमारे पैरोटिड ग्लैंड की. थ्रू वेरिएबल पैरोटिड डक्ट्स आएंगी जो कि एक कॉमन पैरोटिड डक्ट के अंदर मिल जाएगी, और इसकी सिक्रीशन हमारी होगी ऑपोजिट टू मोलर टीथ. उसके अलावा हमारे पास सबलिंगुअल प्रेजेंट होता है, दिस इज आर मेजर सबलिंगुअल ग्लैंड प्रेजेंट. सबलिंगुअल ग्लैंड जो है इसकी ओपनिंग होती है हमारी, ये लाई करता है एंटीरियर लेटरल टू सब मैक्सिलरी, सब मैक्सिलरी ग्लैंड के एंटीरियर लेटरल रीजन में प्रेजेंट है ये, और इसकी सिक्रीशंस जो है वो भी हमारी ऐसे ही डक्ट में से पास होके ओपन होती है इंसाइजर्स के अबव रीजन में. इंसाइजर्स के अबव रीजन में हमारी सब लिंगुअल की सिक्रीशंस पोर होती हैं. और उसके बाद हमारे पास है सब मैक्सिलरी. सब मैक्सिलरी इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल दीज थ्री सलाइवरी ग्लैंड्स. सब मैक्सिलरी जो है उसकी सिक्रीशंस होती हैं हमारी इंसाइजर्स, और सब लिंगुअल और सब मैक्सिलरी की सिक्रीशंस दोनों की हमारी कहाँ पे हो रही है, इंसाइजर्स के टॉप पे और हमारी टंग के बॉटम रीजन पे इन दोनों की सिक्रीशंस होंगी, और पैरोटिड की होती है मोलर टीथ के ऑपोजिट साइड्स पे. अभी हमने स्टडी आउट किया हमारा जो टंग था उसके अंदर कौन कौन से ग्लैंड्स की हमारे पास सिक्रीशंस प्रोड्यूस हो रही थी, वेरिएबल पार्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड की. अभी हमारी टंग है इसका भी सरफेस थोड़ा सा देख लेते हैं. इस टंग के जो बॉटम सरफेस है हमारे पास, ये आप देख सकते हैं, दिस बॉटम सरफेस इज हैविंग फ्यूंजी फॉर्म टाइप ऑफ आउटग्रोथ्स अपॉन इट्स सरफेस. यहाँ पे लाइक दिस, दीज ऑल आर टेस्ट बर्ड, दीज पेपिले आर एक्टिंग लाइक अ टेस्ट बर्ड. इसके वेरिएबल रीजन्स में टंग के डिफरेंट टाइप ऑफ आउटग्रोथ्स होंगी. द बॉटम रीजन है हमारे पास टंग का, इसके कर्वेचर के ऊपर प्रेजेंट है दैट आर नोन एज फ्यूंजीफॉर्म टाइप ऑफ, और जो ब्रॉडेस्ट, जिसका सरफेस ब्रॉडेस्ट होता है उन पेपिले को हम कहते हैं कर्विकुलेटा, और ये प्रेजेंट होते हैं हमारे एंटीरियर रीजन यानी जहाँ पे डिस्टल पार्ट है, जहाँ से टंग ओरिजिनेट हो रही है हमारी, कनेक्टेड है उसके माउथ के साथ, उस रीजन में प्रेजेंट होंगे क्यूबिकुलेट. और इसके अलावा हमारे पास जो साइड्स होंगी टंग की, दीज रीजन्स के ऊपर हमारे पास प्रेजेंट होते हैं फोलेट टाइप ऑफ पेपिले, दीज आर ऑल टेस्ट बड्स. नेक्स्ट हमारे पास है गैस्ट्रिक ग्लैंड. सलाइवरी ग्लैंड हमने पढ़ लिए, अब हमारे पास गैस्ट्रिक ग्लैंड है. गैस्ट्रिक ग्लैंड हमारे स्टमक की इनर लाइनिंग के अंदर प्रेजेंट होंगे म्यूकोसल मेम्ब्रेन के ऊपर. ये न्यूमरस होते हैं और एकदम माइक्रोस्कोपिक इन स्ट्रक्चर होंगे, और इनकी टू फॉर्म्स में ये प्रेजेंट होते हैं, या तो बिल्कुल सिंपल होते हैं या फिर ये ब्रांच्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. और हमें पता है हमारे स्टमक के अंदर एसिडिक मीडियम होता है, वो एसिडिक मीडियम भी इन्हीं की वजह से प्रोवाइडेड होता है, बिकॉज दे सिक्रीट एसिडिक गैस्ट्रिक जूसेस दैट इंक्लूड्स व्हाट, HCl जो कि एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, म्यूकस जो कि फ्लूइडिटी को बनाए रखता है, सॉफ्टनेस प्रोवाइड करता है.